और जंगल में मिला हमको एक मोर का पंख। क्या है यार गाइस देखना। मतलब सबसे बड़ा अब तक का ये साइज है। ये देखो भाई साहब। अरे यार व्हाट्सअप ब्यूटी फैमिली, की हाल चाल है? होप के सारे बढ़िया ही होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और यार आज का ब्लॉग कुछ अलग स्टाइल में हो रहा है। आज का ब्लॉग साइकिल के ऊपर स्टार्ट हो रहा है। ये देखो साइकिल चला चला के जा रहा हूँ मैं, एकदम बड़ी वाली। कहाँ जा रहा हूँ आज? अपना प्लान है फिशिंग करने का। जैसे कि आपको पता ही है, मैं हूँ अपनी बुआ जी के घर। और भाई साहब मतलब फूफा ने आज प्लान बनाया, आज है संडे। सो आज का प्लान बना है कि आज जाना अपने को फिशिंग करने। तो संडे की सुबह सुबह निकले, एकदम 9:30-10 बजे का टाइम हो रहा होगा। और मैंने ले ली फूफा की साइकिल, वो जा रहे हैं उधर खेतों के बीच में से पैदल पैदल, और मैं जा रहा हूँ साइकिल से। कौन कौन जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं, वो सब दिखाऊंगा मैं आपको आगे। फिलहाल तो मेरा कंट्रोल बैलेंस बिगड़ रहा है, मैं गिर ना जाऊँ फोन लेके। सो अभी चलते हैं। वो सीधे से जा रहे हैं, वो दिख नहीं रहे होंगे आपको बहुत दूर। तो अभी चलते हैं फटाफट। और यार यहाँ की भी फीलिंग अलग है ना गाँव की। सारे मतलब चारा चूर लेके आ रहे हैं गांव वालों के लिए, गाय वाय के लिए। और व्यू देखो यहाँ से, कुछ नहीं है यहाँ पे, ओनली खेती खेत है। और आगे एक डैम है, वो डैम हो सकता है अगर जाएंगे तो दिखाएंगे आपको। बाकी फिलहाल तो फिशिंग करने ही जा रहे हैं। एक मिनट यार, इसको सेट कर दूं पहले मैं ना। ओ यार एक मिनट गाइस, जस्ट अ सेकंड। ये लो भाई अपनी हो गई साइकिल सेट, और पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे जहां हमें आना था फिशिंग करने। और अपने साथ है यहां पे, अपने साथ है फूफा जी। फूफा जी कुछ बोलना चाहोगे? अभी कुछ ना बोल रहे। अरे यार अभी कुछ नहीं बोल रहे। और यहां विशाल भैया बोलना चाहोगे कुछ? हेलो गाइस। हेलो गाइस करेंगे ये। और ये देख लो भाई, ये यहाँ पे होगी फिशिंग। ये है नदी कह सकते हो इसको, छोटी वाली। और ये लोकेशन है, कोई नहीं है यहाँ, जंगल ही जंगल है बस। जा रहे हो बीच में? ऊपर जा रहे हैं अभी बीच में। मछली आए इसमें छोटी छोटी दिख रही है। और यहाँ पे गुलदार भी घूम रहा है आजकल, बाघ है। थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, वैसे दिन में तो नहीं आएगा। और देखते हैं हमको कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ निकलती हैं यहाँ पे। फेंको फेंको लेने आऊँ? अभी फूफा ने निकाला केकड़ा, और अभी मैं नेककर में हूँ और जा रहा हूँ मैं नदी में। यार कैसे जाऊँ? और फर्स्ट टाइम होगा अपना ये एक्सपीरियंस। और यहाँ पे पता नहीं कुछ सांप होगा, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। आओ ना यहीं से आ जाऊँ। आ जाओ अंदर। और यहाँ पे गाइस देख लो पानी, पैर कितने कितने घुस रहे हैं यार अंदर, ये देखो यार। और यहाँ पे ये काटेगा नहीं? बहुत ज्यादा घुस गया यार, काटेगा। अरे मेरे तो अभी रुको ना, थोड़ा दिखा दे लो। ये देखो भाई साहब, अरे यार पकड़ लिया। अरे यार मैंने तो आप दिखा दो, हाथ से ही दिखा दो, हाथ से दिखा दो। तो ये फूफा ने पकड़ा, देखो ये केकड़ा एकदम लाइव, एकदम मस्त। कहाँ से निकाला? अंदर से। ये देखो इस टाइप से केकड़े और मछली नहीं पकड़ेंगे? पकड़ेंगे। ओ भाई साहब पहली बार ऐसे देखा है मैंने, फूफा ने एकदम निकाला यार, काट लेता यार, मैं तो डर गया। निकाल देता ना ब्लड, खून निकाल देता गाइस ये, अगर ये केकड़ा पकड़ लेता ना मेरा हाथ ढंग से। अबे इतने इतने पैर घुस जा रहे हैं यार अंदर। हाँ अंदर डर गए तुम तो यार। देखो ये देखो, मतलब मेरे ये घुटने तक आ रहा है। और इस टाइप का है देखो, फोन डाल दोगे अंदर? ये देखो इस टाइप का, और काफ मस्त है यार।
पैर इतने इतने डीप जा रहे हैं और इसमें होंगी फिशिंग करेंगे और देखते हैं कितने केकड़े पकड़ते हैं। देखो इस तरह करते अंदर से मिट्टी निकाल के, ये प्रोसेस वो शायद दिख रहा है केकड़ा बड़े बड़े जड़े, ये है प्रोसेस केकड़े पकड़ने का। ये देखो पूरा डूब ही चुके हैं, निकल में हुए, शुक्र है। ये देखो अभी यहाँ से निकाल रहा है, अरे भाई साहब यार बहुत डीप जा रहा है यार। ये देखो भी देखो कितना डीप फूफा ने हाथ डाल दिया। ओ भाई साहब इतना, यहाँ से देखो पूरा ऑलमोस्ट हाथ डाल दिया और कितना बड़ा केकड़ा निकाला यार। ये देखो इसके पैर तोड़ दिए यार, कमाल है, काट भी लिया। ये देखो क्या लग रहा है, नहीं इतना बड़ा। ये देखो ये गड्ढे करने पड़ते हैं इस टाइप से, फिर जाके ये केकड़े निकलते हैं। गजब है यार। ये देखो ये है, ये इस गड्ढे में से ये जाएगा अपनी बकेट में, ये होगा कलेक्ट और देखते हैं कितने निकलते हैं यहाँ से। तो अभी यहाँ पे केकड़ा हंटिंग चल रही है अपनी तगड़ा के तरीके से और पैर जो है बिल्कुल डीप अंदर को चले जा रहे हैं यार, पैर रखते ही, और इनको लग रहा है डर। देखो अभी आए थे अंदर और भग गए। क्या हुआ भाई, बहुत ज़्यादा पैर अंदर चले जा रहे, पैर अंदर जा रहे हैं तो लग रहा है डर। और मैं तो घुस गया, मैंने कहा जा रहे हैं तो जाने दो, घुस जाओ अंदर। ये देखो ये पूरा घुस रहा है यार। ये यहाँ पर ये मिला छोटा सा बच्चा, बेबी मिला, बेबी केकड़ा। इसको डालेंगे क्या पकड़ में? चलो इसको भी डालते हैं। तो अभी यहाँ पे पकड़ चुके हम केकड़े जितने पकड़ने थे और अब जा रहे हैं दूसरी साइड फिशिंग करने। और यहाँ देखो मेरे हालत, मतलब पूरा ऊपर तक पानी से भीग गया मैं बिल्कुल यार। तो अभी हमको मिला एक केकड़ा, मतलब केकड़े जो हमने पकड़े थे उनमें से मुझे लग रही थी भूख यार, सही बात ही है क्यों। तो हमने कहा यार अब हमने केकड़े पकड़े ही हैं तो लेके क्यों घूमे भाई, खा भी सकते हैं ना। तो हमने लिया है केकड़ा, बेबी केकड़े, उसको टेस्ट करके देखते हैं। पर दिक्कत ये है कि ये काटे ना मुँह के अंदर ना, काट लेता है, काटेगा अभी तक तो नहीं काट रहा है। देखो एक अलग सा टेस्ट है इसमें यार, मटीला सा। हाँ लेकिन जो भी है ठीक है, चलो और देखते हैं क्या क्या मिलता है और खाते हैं उसे भी जो जो मिलता है। सो अभी चले जा रहे हैं हम और अपने को मिल नहीं रही है जगह कहीं फिशिंग करने की। और यार एक चीज़ देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो मतलब यार ये क्या है, सोने वाने के लिए बना रखा हुआ है शायद। ये क्या है यार गाइस देखना, मतलब ये पेड़ के ऊपर, ये देखो मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा, ये है क्या चीज़ यार। ये जानवर से बचने का तरीका है ना यार, लेकिन बाघ तो इसके ऊपर भी चढ़ जाएगा। ये देखो ये दो आराम से सो सकते हैं यार। मैंने वो मिस्टर इंडियन हैकर नहीं है और क्रेजी एक्स वाई जी, उनकी वीडियोस पे मैंने कमेंट देखे हैं कि भाई पेड़ के ऊपर 7 स्टार होटल बनाओ। आज देख लिया भाई साहब, ये है 7 स्टार होटल देख लो। और ये देखो जंगल के बीच में आ चुके हैं आराम, अभी ये पूरा जंगल ही है क्यों। और जब हम आए थे ना यहाँ पे, हमें कुछ चार पाँच दिन होने वाले हैं, ब्लॉग बहुत कम कर रहा हूँ मैं, तो तभी पता चला कि यहाँ पे जो है गुलदार घूम रहा है और काफ़ी ज़्यादा गाय के बच्चे और बकरे के बच्चे लेके जा चुका है, हो सकता है हमें भी मिल जाए। तो आपको दिखाएंगे गुलदार के दर्शन अगर बच पाए तो। बाकी ऐसे तो बचने का मौका नहीं देगा वो। हाँ सो अभी गाइस घूम रहे हैं हम एकदम घने जंगल के बीच में और यार डर लग रहा है यहाँ पे तो कसम से। ये देखो बिल्कुल खतरनाक, पैरों के निशान भी होंगे यहाँ पे होंगे। सो अभी एक जगह हमको ये मिली है, ये यहाँ पे देखते हैं यार मिल पाते या नहीं। ये कुछ एरिया है यहाँ पे ढूंढ रहे हैं केकड़ा। सो अभी यहाँ पे सबसे बड़ा केकड़ा हमको मिला, ये देखो
मतलब सबसे बड़ा अभी तक का ये साइज है, मतलब यार इसका क्या साइज है, अगर ये इसने आपकी उंगली पकड़ ली ना तो समझ लो भाई खत्म ही है, ये तोड़ के ही छोड़ेगी। क्या यार मजा आ रहा है कसम से, ये देखो ऐसी जगहों से निकलते हैं ये केकड़े। देखो 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 मिट्टी में हाथ डाला, देखो ये निकला काला सोना, ये देखो वाले भटमा जी। सो अभी एक दिक्कत हो गई है गाइस, मतलब यार मैं अभी थोड़े शॉर्ट्स ले रहा था अंडर वाटर के, और इधर से आ रहा था मैंने ध्यान नहीं दिया, एक पता नहीं लकड़ी टाइप की थी वो अटकी पैर में और मैं फिसला भाई साहब और पूरा गिर ही गया, मतलब ऊपर से मैंने उस शुगर पेड़ को पकड़ लिया मैं अंदर, ये देखो पूरा भीग गया यार, गिरने से ही बचा हूँ जस्ट, पूरा अंदर डूब ही गया था यार, सारे कपड़े ख़राब। तो देखते हैं यार यहाँ पे अभी कितनी और होती है, बिल्कुल ओपन एकदम जंगल के बीच में आ चुके हैं, ये देखो खतरनाक ये पीछे ही चले, चलो गिरने के बाद चलते पीछे को यार, डर लग रहा है अब तो, यहाँ इतना इतना पानी हो चुका है, अब चलते हैं पीछे वापस। तो अभी आ तो चुके हैं अपना जो भी था पकड़ पकड़ के, गए थे फिशिंग करने लेकिन पकड़ के केकड़ी लिया है, और जंगल में मिला हमको एक मोर का पंख, ये देखो हाँ रियल है एकदम, कितना बड़ा है साइज देखो इसका। और अब यार घर ही जा रहे हैं, थक गया हूँ मैं तो बहुत, और घर चलते हैं, घर पे ही देखते हैं क्या करते हैं, सीधे नहाएंगे पहले खा पी के कुछ खाना वाना, फिर मिलते हैं आपको। तो अभी घूमते घूमते हमको लग रही थी बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी धूप हो रही है 35 डिग्री सेल्सियस, समझ सकते हो आप, इतनी गर्मी में हमको मिला एक बोरिंग जिसमें हम डुबकी लगा सकते हैं और अपना नहा सकते हैं। तो यार ये देखो ये क्या बोलते हो, नहा जाए फिर, मैं तो चाहता हूँ अपना नहा।